औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। प्यारे हंटर भाइयों, अपने वादे के मुताबिक हाज़िर हूँ। मैंने इंशाल्लाह ताला जो चांद रात को कुरान ताज़ी की थी राना आंटी शाह ब्रांच नंबर 2 स्वीक सेंटर गुजरांवाला में, तो मैं उसी सिलसिले में गुफ्तगू करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं तो उम्रे पर चला गया था, बताया भी था दोस्तों को कि उम्रे के बाद आके जिन जिन दोस्तों के इनामात निकले हैं उनके सुपुर्द करूँगा। तो उसी सिलसिला में है कि मेरे पास जो इनामात थे जिनके निकले थे, मैं दोबारा उनको रिपीट कर देता हूँ, तो वो दोस्त मुझे अपना मुकम्मल एड्रेस भेज दें तो मैं यहाँ से रवाना कर दूँगा। अगर मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो जो जिन दोस्तों के इनामात निकले हैं वो गुजरांवाला तशरीफ लाएँ, मेरी दुकान पर आएँ, मैं उनकी अच्छी दावत करूँ और उनके साथ बैठ के गपशप करूँ, उसके बाद उनको इनामात दे दूँ। तो अगर दोस्त जो नहीं आ सकते तो मैं ये चाहूँगा कि वो अपना मुकम्मल एड्रेस मुझे सेंड कर दें, तो मैं यहाँ पे वो तमाम इनाम जो हैं एक ही डेट में सबको रवाना कर दूंगा, जिसमें दो बड़े इनाम थे, एक पीसीबी गन थी, दूसरा एचडी कैमरा था। तो जो बड़ा इनाम था वो तो ज़रा खान साहब हैं उनका निकला था, लिया किए हैं वो, और जो कैमरा था वो अमान सेरा से हैं उनके निकला हुआ है। बाकी जो है वो थोड़ी तफसील में बता देता हूँ ताकि जिन दोस्तों ने नहीं भी पता वो वीडियो देख के उनको पता चल जाए, तो मैं फिर इनाम बताऊँ उनको। जी इसमें जी जो बड़ा इनाम था वो तीन 10 इनाम थे पहले जो सिंह चार के थे, उसमें उस्मान मुगल साहब हैं गुजरांवाला से, उनका फ़ोन नंबर है मैं रिपीट कर देता हूँ 0309646736। उसके बाद है प्रोफेसर अहमद खान नारवाल से हैं ये 0323770506। और तीसरा है जी वसीम खान लाहौर से हैं ये 0345412681। उसके बाद चौथे हैं जी मोहम्मद मंजूरुल हक, ये हैं इनका नंबर है जी 0332696128। उसके बाद जी मोहम्मद शकील साहब हैं फैसलाबाद से 0334323832। और उसके बाद है मोहम्मद रजवान साहब जलालपुर भटिया से 0345426007। उसके बाद है राना सलीम अख्तर साहब हैं, ये अचल की कोई है जी, इनका जो नंबर है 0301491313। उसके बाद अली रजा साहब हैं फैसलाबाद से 0309999423। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल गफार साहब हैं जी 0334626386। उसके बाद हबीब खान साहब हैं जी डीजी खान से हैं ये 0335003600। ये थे 10 स्लिंग शॉट के नाम। उसके बाद कैमोफ्लाज सूट थे जी, पहला था मोहम्मद यासिन साहब है, इनका एड्रेस नहीं था, कोई भी शहर का नाम नहीं लिखा हुआ था, तो ये भी मुझसे रब्ता कर लें 0307075221718। और इसमें दूसरा जो इनाम निकला था कैमोफ्लाज सूट का जहूर अहमद साहब है बलूचिस्तान से 0332627140। और तीसरा इनाम था हजरत खान क्वेटा से थे, इनका सूट निकला था 0333259259। जी इसके बाद है जी मानसेरा से हैं, वो मैंने बताया था आदमान मलक का जी 0313522881, ये इनका कैमरा निकला था। और ज़रा खान साहब हैं लिया से, उनकी वो पीसीबी गन निकली थी। तो दोस्तों पहले तो मैं बताता चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के घर गया था, मैंने तमाम दोस्तों में वहाँ पर दुआएँ की हैं, अल्लाह ताला सब दोस्तों पे अपना ख़ास रहमत करे और इंशाल्लाह ताला आइंदा नेक्स्ट आने वाले सीज़न में वो अच्छी हंटिंग करें, मेरी ख्वाहिश है। और अल्लाह के घर का मज़ा ही कुछ और था, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला सब दोस्तों को अपने घर बुलाए, अपनी पाक ज़मीन पे बुलाए, अपने घर बुलाए, तो तमाम दोस्त वहाँ जाके अल्लाह ताला की ख़ास इबादत करें। तो दोस्तों मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जिनके इनामात निकल चुके हैं वो लॉन्च कर दिए गए थे इंशाल्लाह ताला, अब उनको मैंने वो इनामात भिजवाने हैं। पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा अगर मेरे पास तशरीफ ले आएंगे तो मुझे खुशी होगी, अगर नहीं लाना तशरीफ नहीं लाना चाहते आना नहीं चाहते तो फिर मुझसे रब्ता करें और मुझे अपना मुकम्मल ड्रेस जो है जी वो फॉरवर्ड करें, नंबर मैंने बता दिए हैं, फ़ोन नंबर भी, वो मुझसे रब्ता कर लें, मैं भी उनसे कर लेता हूँ और वो भी मुझसे कर लें, तो अपना मुकम्मल ड्रेस दे दें ताकि मैं एक ही डेट में तमाम इनामात जो जिनकी अमानतें हैं उनके सुपुर्द कर दूँ। तो प्यारे दोस्तों इंशाल्लाह ताला मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उस पे ऊपर वीडियो अपलोड मैंने मदीना की मक्का की ये जो मेरी वहाँ पे हुई थी वो भी मैं इंशाल्लाह ताला ऊपर अपलोड की है, वो भी देखें आप।
और मज़ीद जो है इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। तो आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास तशरीफ लाएं जो दोस्तों के इनाम निकले हैं, ताकि उनको मैं इनाम अपनी दुकान पर उनकी दावत करके अच्छे तरीके से उनको वो इनाम तकसीम करूँ। प्यारे दोस्तों, इंशाल्लाह ताला इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली ईद पे फिर इंशाल्लाह ताला कुरानदाजी कोई ना कोई करेंगे, ताकि जो दोस्त शिकारी आउट सीज़न में मसरूफ़ नहीं होते तो वो इसी चक्कर में जो आप दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहें। तो मेरी दिली ख्वाहिश है, तो दोस्तों के साथ ही मैं जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।